Finally, I'm almost ready. The real struggle. Two, three, go. तू कहाँ भाग गया थे? कहाँ भाग गया थे? मैं कहाँ भाग गया था? कहाँ भाग गया? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो व्लॉग है ये बहुत ही ज़्यादा अलग व्लॉग है बिकॉज मेरा पहला ऐसा शूट होने वाला है जो शूट मेरा आज तक नहीं हुआ है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड, इसीलिए आज मैं सुबह सुबह 6 बजे जिम आ गई थी। तो आज मैं करने वाली हूँ शोल्डर का वर्कआउट। शोल्डर में मैं करती हूँ 7 एक्सरसाइज, जिसमें हर एक्सरसाइज में 3 सेट करती हूँ, लेकिन पहली एक्सरसाइज के 4 सेट। उसके बाद होता है कार्डियो, कार्डियो में 15 मिनट्स ट्रेडमिल एंड 1 डे साइड्स 1 डे एब्स। इफ़ यू गाइज वॉन्ट मी टू अपलोड फुल वर्कआउट शेड्यूल, वो भी हो जाएगा, आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, तो जल्दी से जल्दी मैं वैसा भी प्लान कर सकती हूँ। एंड येस, दिस आउटफिट इज़ फ्रॉम अर्बैनिक एंड मीडियम साइज़। अभी बज रहे हैं 8, तो मैं निकलने वाली हूँ। थोड़ा सा मेरे को बस कार्डियो बचा है, उसे करके ट्रेडमिल करूँगी 15 मिनट्स। उसके बाद मैं निकल जाऊँगी, मंदिर जाऊँगी, मंदिर के बाद घर, फिर रेडी होना है। 11 बजे मुझे शूट लोकेशन पर पहुँचना है। आज मैंने मारा है शोल्डर्स एंड मजा आ गई। मैं शूट के लिए एक्साइटेड हूँ, मतलब उससे ज़्यादा मैं उस लोकेशन के लिए एक्साइटेड हूँ। मैंने जो फोटोज़ भी देखी थी तो आई वॉज लाइक मेरे को यहाँ शूट करना है। आई एम सुपर एक्साइटेड, स्टे ट्यून्ड, फटाफट से चलते हैं। नाउ इट्स प्रोटीन टाइम, डिवाइन न्यूट्रिशन। गाइस, अगर आप लोग डिवाइन न्यूट्रिशन से प्रोटीन लेना चाहते हैं एंड आपको डिस्काउंट चाहिए, तो डू यूज़ माई कूपन कोड SAKSHIJOSHI25 एंड गेट डिस्काउंट। जिम से घर जाते हुए रास्ते में पड़ता है मंदिर, तो रोज़ मैं जिम के बाद या जिम से पहले मंदिर जाकर शिवलिंग को जल ज़रूर चढ़ाती हूँ। और आज तो नवरात्रि भी स्टार्ट हो चुके हैं, आज माता रानी को भी श्रृंगार का सामान चुन्नी चढ़ाना ज़रूरी था। उसके बाद मैंने नवरात्रों के लिए थोड़ा सा सामान खरीदा क्योंकि आज पहला नवरात्रा है एंड घर में मम्मी का व्रत है। शूट के लिए आई एम ऑल रेडी और अब हम बस निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी देर तो ऑलरेडी हो ही चुकी है। मेरे साथ जा रही है मम्मा, मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं एंड लेट्स गो। मोस्टली मेरे शूट पर पार्टनर मेरे साथ मेरी मम्मी होती है, आधा व्लॉग तो यही शूट करती है, इसलिए नहीं जाना चाहता। हाँ, इस साइड। तो मम्मी से पूछने वाले हम कहाँ जा रहे हैं, देखते हो मम्मी को जगह का नाम याद है या नहीं है। हम कहाँ जा रहे हो मम्मी, कौन से रिजॉर्ट में जा रहे हो? ग्रैनविल। क्या? काफ़ी सही सही बोला, और उन्हें ग्रैनविल जा रहे हैं हम, तो ग्रैनविल रिजॉर्ट वन ऑफ द बेस्ट इन देहरादून, और उन्हें नाम तक याद है। क्या बात है, क्या बात है। तो हम अपनी लोकेशन पर पहुंच गए हैं। लोकेशन मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट्स दूर है, ग्रैनविल रिजॉर्ट। 11 बजे मुझे यहाँ पर पहुंचना था बट मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, 12 बजने ही वाले हैं, बट फाइनली हम पहुंच गए हैं। तो हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे, हमारा रूम। पहुँचते साथ ही सबसे पहले गए हम अपने रूम में। हमारा रूम है फर्स्ट फ्लोर पे। पहले मैं आपको रूम टूर करा देती हूँ। ये है इनका सूट रूम, आप देख सकते हो कितना बड़ा है एंड आई एम एक्साइटेड। मुझे इनका बस विंडो का व्यू देखना है कैसा है। दिस इज़ वॉशरूम। वॉशरूम में आपको मिलने वाला है बाथटब। ओके, वाओ, नाइस यार, काफ़ी बड़ा है। हेयर इज़ द व्यू जिसके लिए मैं वेट कर रही थी। ओ माय गॉड, दिस इज़ वंडरफुल यार, उठते साथ ही ये व्यू मिल जाए और क्या चाहिए यार। दिस इज सो 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 ब्यूटीफुल। मम्मी को चाय पीनी थी और मुझे कोल्ड कॉफ़ी, तो हमने ऑर्डर करी है बिकॉज अभी तक मेकअप आर्टिस्ट नहीं आई है एंड फोटोग्राफर आ चुका है, वो शायद प्रॉपर्टी टूर कर रहा है। एंड दिस इज़ आवर रूम। रूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेकअप से बेस्ट पार्ट जो लगा है यहाँ पर इनका व्यू लगा है, आप लोग देख सकते हो। मतलब उठते साथ ही अगर आप कर्टन्स खोलो और आपको ये व्यू मिले और क्या चाहिए यार, दिस इज़ लाइक हेवन।
अभी देहरादून में, मतलब अगर मैं बोलूँगी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी एंड मेरी फेवरेट हो चुकी है अभी। आपको हर जगह से ऐसे अपने रूम से ऐसा व्यू मिलेगा चारों तरफ, जितने भी आप ये कर्टन जब खोलोगे तो आपको सेम व्यू मिलेगा। तो ये है क्रैनविल रिजॉर्ट, ये है इनका बैल्कनी से फुल रिजॉर्ट व्यू एंड दिस इज ब्यूटीफुल यार, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, यहीं रह लो, घर ले लो उम्मीदारी। पहले आई हूँ मैं, फिर आया है अमन और सबसे लेट आई है हमारी मेकअप आर्टिस्ट, जिनको कहा था सबसे पहले टाइम पे पहुँचा। टाइमिंग थी हमारी 10:30 11 एंड ये है हमारी मेकअप आर्टिस्ट, अपना नाम बता दीजिए। ममता। इसके से रखोगे डार्क या फिर लाइट ही रखेंगे? न्यूड शेड। हाँ ऐसा कुछ करेंगे। तो फिर आईज में ग्लिटर चाहिए? ठीक है, तो फिर कुछ ब्राउन में ट्राई करते हैं। गोल्डन के एक बार ड्रेस देख लेती तो शायद। हाँ ना, ड्रेस वही है बस, वो कह रहे हैं आने वाले ड्रेस, बट ड्रेस ना पूरा वैसी है, क्रीम कलर में सारा, एकदम लाइट कलर है अंदर से और बाहर से पूरा वाइट लगेगा दूर से देखने में, तो डार्क उसमें कुछ जाएगा नहीं, उसमें पता कैसा पूरा जाएगा ग्लिटर। तो हमारा मेकअप स्टार्ट हो चुका है, मम्मी अपना रिलैक्स कर रही है, वो वेकेशन पे आई हुई है अपनी। अरे हेलो, कैसे हैं आप? हमारे आउटफिट्स आ चुके हैं। ओके हेलो, कैसे हो आप? गोल्डन वाला। अच्छा आप गाउन भी ले आए? ओके, ये हमारे आउटफिट्स हैं जो आए हैं। जो दुपट्टे हमने एक्स्ट्रा मंगवाए थे वो आप लाए हो? दुपट्टे तो मैं एक ही लाया हूँ। अच्छा एक लाया, वैसे कह रहे थे ना हम कुछ दुपट्टे एक्स्ट्रा भेजेंगे। ये सुंदर है ना, मुझे बहुत पहले उसमें ही पसंद आया था ये वाला लहंगा। तो ये है हमारे आउटफिट्स, आउटफिट्स आए हैं भारती फैशन से एंड जो वाइट वाला लहंगा है उसको हम जो लुक देने वाले हैं ब्राइडल लुक देने वाले हैं, एंड सेकेंड जो लहंगा हमारा है उसको हम इंगेजमेंट या कोई पार्टी वेयर लुक देने वाले हैं। ये बहुत सुंदर है, हमने कहा ही था कि अच्छा करा दिया आपने पूरा। हाँ ये बहुत लूज हो रहा है। हाँ सुई धागा लाए हो? बस ठीक है, कुछ भी होगा। अमन देखो ये वाला लहंगा, पहले यही करेंगे और जो फर्स्ट था वो उसको हटा देंगे, उसे हटाना है। कोई नहीं, उसको रख लेने पर। एक मिनट रुक जाओ, ये हम शूट कर रहे हैं ट्रांजिशन रील के लिए। रील देखने के लिए डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम साक्षी जोशी 25। ना जैसे कियारा अडवाणी का है, वो कियारा तो आपका नेक का वो बड़ा सुंदर लग रहा था, बट तुम्हें देखिए जरा कितने लगाइए जरा एक बार, तुम पहन के देखो जरा एक बार। मैं गया रूम लियो तो फिर हटा दे ना, जल्दी जल्दी मेकअप करा दे इन प्रोसेस। पता मम्मी मैं काजल लगवा लूं? नहीं यार, अच्छी लगती है काजल, हालांकि लगाती नहीं हूं मैं कभी काजल। छोटू सा नहीं हो जाएगा? मैंने ये फ्लावर्स लगाती हूँ, हो जाएगा। अमन भी मेकअप आर्टिस्ट बनने की कोशिश में है। क्यों अमन? सब काम कर लूंगा यार, ऑल इन वन। मम्मी को भी काम मिल चुका है फ्लावर्स का, कुछ फ्लावर्स कलेक्ट कर रही है मेरे जूड़े में लगाने के लिए। हाँ गुड, इसीलिए मैं इनको साथ लेकर आई थी, इसीलिए कट कर दूंगी, यही रीजन था। अमन पूरा जोड़ा कवर करना है ना? हाँ हाँ, सुंदर लगेगा पूरा जब कवर होगा। अभी आउटफिट्स पहनने भारी भारी से। गोल्ड सिल्वर बना रहे हैं वन बाय वन। फाइनली आई एम ऑलमोस्ट रेडी, अब बस थोड़ा सा बचा हुआ है जो भी टचअप करना है। तो हमारा मेकअप हो चुका है, ज्वेलरी भी हो चुकी है,
लहंगा पीछे सेट हो रहा है पहनने के लिए, लास्ट स्टेप बचा है, ठीक है, ऑल सेट। रेट माय लुक, कैसा लग रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज द रियल स्ट्रगल गाइस। इसे एडजस्ट करना सबसे मुश्किल काम था, बिकॉज़ ये अकेले किसी से नहीं हो सकता है, दो दो तीन तीन लोगों की ज़रूरत पड़ रही थी इसे ठीक करने की बार बार। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कितना हैवी लहंगा है। सो हियर इज़ द फाइनल लुक। फाइनल लुक के बाद हमने काफ़ी सारी क्लिप्स अंदर ही शूट करी, कुछ फ़ोटोज़ एंड कुछ वीडियोज़, बिकॉज उसके बाद हमारा आउटडोर शूट था। तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा मेरा लुक। मैं थक चुकी हूँ। सो दिस इज माई फुल ब्राइडल लुक एंड मैं काफ़ी थक चुकी हूँ अभी, क्योंकि इतनी लंबी लंबी हील्स, लहंगा मेरे वेट से भी ज़्यादा वेट का लहंगा है ये। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ग्रेनविल रिजॉर्ट का इंस्टाग्राम आईडी एंड लोकेशन मिल जाएगा। मुझे ये प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा पसंद आई है, मैंने कुछ स्नैप्स भेजी अपनी फ्रेंड को एंड हमारा बैठे बैठे प्लान बन चुका है यहाँ पर आने का। तो जो नेक्स्ट व्लॉग होगा आई थिंक हमारा यही का होने वाला है, विद माई फ्रेंड्स, डे आउट विद माई फ्रेंड्स। भाई बैंड बज चुकी है क्योंकि 5 बज गए और हमारा एक ही आउटफिट कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत थक चुकी हूँ, अब आउटफिट चेंज कर रहे हैं, दूसरा आउटफिट पहनना है, उसका शूट होगा। बट उससे पहले मैं एक ब्रेक लूँगी और अपना लंच करूँगी शाम के 5 बजे, बिकॉज शूट में ही मैं काफ़ी बिजी हो गई थी। तो अब फटाफट से जाकर मुझे चेंज करना है। ये क्या हील्स क्यों पहन के आ गए, आपकी चप्पलें आ गई? मैं मम्मी की चप्पलें ले आई थी तो मम्मी मेरी हील्स पहन के आई हैं। शूट के बीच में मैं सिर्फ पानी या जूस ले रही थी ताकि मैं हाइड्रेटेड रहूं, बट इवनिंग में मैंने खाया फास्ट फूड जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा है। सही लग रहा है, हमारे लुक को मिल चुका है। गाइस, अमन जी से अगर किसी को शूट के अलावा कुछ काम भी कराना है घर का, और आउटफिट सेकेंड, तो ये है हमारा एंगेजमेंट लुक और पार्टी वेयर लुक। तो दिस लहंगा इज आल्सो फ्रॉम भारती फैशन। गाइस ये देखो, द रियल स्ट्रगल, बस पहुंच गई मैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस लोकेशन के बारे में? लोकेशन तो बहुत अच्छी है, कबूतर भी आ रहा है पीछे, देखो ना। यार शाम को कितना प्यारा लग रहा है सच में। यहाँ पर तो मैं खाट लगा के सो भी सकता हूँ। 3, 2, 1 को स्टार्ट। एंड हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना ज़्यादा अच्छा लुक आपको कौन सा लगा, लुक 1 जो कि वाइट लहंगा ब्राइडल लहंगा था, या फिर लुक 2 जो कि पार्टी वेयर लहंगा है। तू काम आ गया था, काम आ गया है, तेरे में काम आ गया है, काम आ गया है। हील इसके अंदर घुस रही है। मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा था, इतनी ज़्यादा हील्स पहनकर अभी मैं ढंग से वॉक भी नहीं कर पा रही थी। तो जितना इजी, जितना अच्छा ये दिख रहा है, ये इजी बिल्कुल भी नहीं है यार। गाइस सुबह से शाम हो चुकी है शूट करते करते, और हमारी मैडम भी थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ये देखो गाइस, उधर से आ रही हूं। आप
आई होप आप लोगों के ब्लॉग काफी अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग. डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट ब्लॉग. हियर यू कैन सी नाइट व्यू एट ग्रैनविल रिजॉर्ट. दिस इज ब्यूटिफुल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द रील्स एंड फोटोज. Soon I'll be uploading on Instagram. Do follow me on Instagram, SakshiJoshi25. Okay guys, see you all in the next vlog.